हाई गर्ल्स, माई नेम इज वानी एंड फैशन टैबलेट्स चैनल में आपका फिर से वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे कॉमन क्लोदिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगी जो आपसे हो जाती हैं, अधिकतर अनजाने में ही होती होंगी बट हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदगी फील होती है। आप घर के बाहर होते हो या घर में होते हो, किसी भी पार्टी फंक्शन कहीं पर भी जाते हो, तो आपको बाद में पछतावा होता है कि यार हमने ये चीज़ क्यों कर ली और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना है और हमें कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी है। ओके, और ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स नहीं करें। और हाँ, अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक हमेशा मैं मेरे चैनल पर लेके आती रहती हूँ। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं शॉर्ट वीडियोज़ और फोटोज़ अपलोड करती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जा सकते हो, वहाँ पर चेक कर सकते हो, एंड उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और हाँ, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी मैं, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक हम लेडीज़ क्या करती हैं कि जो फ्रंट ओपनिंग ड्रेसेस होती हैं, फ्रंट ओपनिंग टॉप हो गया, कुर्ती हो गई, या फिर शर्ट होती है, शर्ट में तो पूरा ओपन ही होता है फ्रंट से, तो उसमें मिस्टेक हमारी कहाँ पे होती है, हम जब भी पहनते हैं तो हमारे बस्ट एरिया पे थोड़ा सा खुल जाता है, मतलब जो हमारे बटन के जो बीच का गैप होता है ना, हमारे दो बटन के बीच का जो गैप, तो वहाँ से वो थोड़ा सा उठ जाता है और अंदर विजिबल होने लगता है, तो वो बहुत गंदा दिखता है, अच्छा भी नहीं लगता। और आप कहीं बाहर होगे तो आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करोगे इसके साथ। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, उसके साथ आपको क्या करना है, आप चाहो तो दोनों बटन के बीच में जो गैप है वहाँ पर आप अंदर से सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हो। सेफ्टी पिन भी आपको इस तरीके से यूज़ करना है, आपने हमेशा देखा होगा यहाँ पर जब हमारा जो क्लोजिंग एरिया होता है वहाँ पर दो तीन लेयर होती है फैब्रिक की, तो आपको क्या करना है, सेफ्टी पिन फर्स्ट लेयर को छोड़कर अंदर से सेफ्टी पिन लगाना, और इससे क्या होगा कि आपकी सेफ्टी पिन बाहर से दिखेगी भी नहीं, आपने अंदर से यूज़ की हुई है, और आपका जो साइड में जो ये विजिबल हो जाता है बार बार खुला खुला सा दिखता है, तो ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। सेकंड, अगर आप सेफ्टी पिन यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप वहाँ पर हुक लगा सकते हो, आप कास्ट कर सकते हो, और बस जो गैप हो हमारा होगा वहाँ पर आपको क्लोज कर लेना है, थोड़ा सा अंदर से आप हुक और काज वाला काम करना ताकि वो बाहर से ना दिखे। ठीक है, तो सेकंड सॉल्यूशन ये हो गया। थर्ड सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप फैशन टेप वहाँ पर चिपका सकते हो। फैशन टेप आती है डबल साइडेड, जैसे टेप होती है ना वैसी ही होती है सेम, वो स्पेशली क्लोथ्स के लिए ही बनी होती है, तो इस तरीके से आपको दोनों गैप के बीच में आपको रिमूव करके यहाँ पर उसको स्टिक कर लेना है और अच्छे से प्रेस कर देना है, तो वो दोनों आपस में चिपक जाती हैं, तो फुल टाइम आप कैसे भी रहो बिल्कुल भी वो निकलने वाली नहीं है। थर्ड सॉल्यूशन ये हो गया, और बिंदास अपने फ्रंट ओपनिंग ड्रेसेस को, शर्ट को अच्छे से वेयर करिए, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सेकंड मिस्टेक के बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगी, जो बहुत ज़्यादा डीप नेक होते हैं तो हम क्या करते हैं, देखा सुनी में ले तो लेते हैं डीप नेक, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नाप जोक के नहीं लाते, बस एक नज़र में पसंद आ गई तो हमने ले ली, बट जब ट्राई करते हैं तो होता क्या है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डीप नेक होता है उसका, या फिर हम किसी को देखकर या फिर अच्छा लगने की वजह से हम वो चीज़ ले लेते हैं, लेकिन जब हम पहनते हैं तो हमें क्या होता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा डीप नेक है, कैसे पहने, सबके सामने कैसे कंफर्टेबल हम रहेंगे, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, कई जगह पर ऐसा होता है कि हम इतने ज़्यादा डीप नेक नहीं पहन सकते हैं, अच्छा भी नहीं लगता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप वो ड्रेस पहनना ही चाहते हो तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको किल्वेज कवर करके एक अमेजोन पे प्रोडक्ट मिलता है, आपको और भी शॉपिंग वेबसाइट पे मिल जाएगा आराम से, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हो। तो किल्वेज कवर का काम ही यही होता है, नाम से ही आपको पता चल गया, आप अपने लिए रेड हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ये तीन कलर ले सकते हो, न्यूट कलर बिल्कुल मत लेना, फिर उसका काम ही क्या है, मतलब आप अंदर से न्यूट पहन लोगे तो वो अलग ही दिखेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा, मेरा मानना है ये। तो आप ब्लैक, रेड एंड वाइट कलर का ले सकते हो। उसको लगाना कैसे है, दोनों साइड में आपको लॉक एंड अनलॉक का सिस्टम मिल जाएगा, अंदर से आपको पहन लेना है और आपकी जो ब्रा की स्ट्रैप्स होंगी ना वहाँ पर आपको क्लोज कर देना है, और जितना भी नीचे का फैब्रिक है उसको अंदर आपको इंसर्ट कर लेना है। इजी, बहुत ही इजी है।
सेकंड जो मैं आपको बताऊंगी उसमें आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे। आपको क्या करना है, आपके जो भी आपने क्लोथ्स पहने, ब्लाउज पहने हैं, टॉप पहने, जो भी पहना है, ड्रेस पहना है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा मैचिंग या फिर कंट्रास्ट कलर में कोई हैंकी वगैरह ले लेनी है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो हैंकी ले लेनी है और हैंकी को फोल्ड कर देना है बीच से, ठीक है। उसमें तीन कोने बनेंगे, एक दो आपके हैंड्स में और नीचे एक लटकता हुआ, ओके। मैं आपको बता दूंगी वैसे ही आपको करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों कोनों को इस तरीके से अपने ब्रा के स्ट्रैप्स में लगाकर पिन से सिक्योर कर लेना है और बाकी फैब्रिक को आपको अंदर इंसर्ट कर लेना है। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा सामने वाले को और आपको भी नहीं लगेगा कि यार मैंने ये हैंकी यूज़ की है। तो ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया जिसमें आपका बिल्कुल भी पैसा भी नहीं लगेगा और डीप नेक की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सो गर्ल्स, सेकेंड मिस्टेक के बारे में मैं बात करूंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को देखकर बहुत ज़्यादा स्ट्रैपी ड्रेसेस ले लेते हैं, कैमिसॉल टाइप की ड्रेसेस ले लेते हैं, है सेलिब्रिटीज़ को देखकर या फिर किसी को भी देखकर हम ले आते हैं, बट जब हम पहनते हैं तो वो अच्छी नहीं दिख रही होती है ना। और कई बार ऐसा होता है कि वो ड्रेस हम लेकर तब आए थे जब हमारे ऊपर वो बहुत अच्छी लग रही थी और अभी वो काफ़ी टाइम से जब हमने ट्राई किया तो वो हमारे ऊपर अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। होता क्या है, बॉडी में चेंजेस आते हैं, कभी हम मोटे होते हैं, पतले होते हैं इसकी वजह से। तो आपको क्या करना है, ऐसी ड्रेसेस को कैसे वेयर करना है, ठीक है। बहुत सारी लेडीज़ एवं ही कुछ भी पहन लेती हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो आपको, और ऐसी ड्रेसेस डेली बेसिस पे हम पहन भी नहीं पाते हैं, हो सकता है कभी हम किसी समर वैकेशन पे गए, कहीं बीच पे गए, तो ऐसी ड्रेसेस आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन डेली बेसिस पे हम ये पहन भी नहीं पाते। कोई भी रीज़न हो सकता है आपके ऊपर नहीं अच्छी लग रही है वो, तो आपको क्या करना है, अंदर पहले कोई टी शर्ट पहन लो, ठीक है। आप चाहो तो हाई नेक टी शर्ट पहन सकते हो, आप चाहो तो कोई फुल स्लीव्स वाला टी शर्ट पहन सकते हो, ठीक है, राउंड शेप वाला टी शर्ट पहन सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो कोई शर्ट भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, शर्ट भी बहुत अच्छी लगेगी। उसके ऊपर से आप उस जो आपकी जो स्ट्रैपी वाली ड्रेस है उसको आप ऊपर से पहन लीजिए, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देती है हर जगह में, ये आपको कंफर्टेबल भी फील कराती है। और जो आपके ऊपर स्ट्रैपी वाली ड्रेस अच्छी नहीं लग रही थी ना, यकीन मानो एकदम हटके और नया भी लुक लगेगा और आपकी जो आपके ऊपर जो नहीं अच्छी लग रही थी अच्छी भी लगने लगेगी, ओके। तो ये जो स्ट्रैपी वाली ड्रेसेस होती है थोड़ी स्लिम लड़कियों के ऊपर ज़्यादा अच्छी लगती है, मोटी लड़कियों के ऊपर नहीं अच्छी लगती है। लेकिन अब से आप अगर मोटे हो तो इस तरीके की ड्रेसेस भी पहन सकते हो, या फिर आपके पास रखी है तो आप वापस से उसको रीयूज कर सकते हो किसी टी शर्ट के साथ। आप चाहो तो हाफ स्लीव वाली जो टी शर्ट होती है उसके साथ भी पहन सकते हो, मिक्स एंड मैच कर सकते हो। थोड़ा कलर कॉन्ट्रास्ट का भी ध्यान रखो कि आपकी ड्रेस का कलर कैसा है और हम जो टी शर्ट पहनने वाले हैं उसके साथ उसका कलर कैसा है, तो थोड़ा मैच करके अच्छे से पहनिए, तो ये भी आपके काम में आएगी, तो इसको भी आप हमेशा ध्यान रखो। तो गर्ल्स, नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, जो हमारे बॉटम वियर होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो बॉटम वियर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, अंदर से हमारे लेग्स विजिबल होते हैं, तो कई लड़कियां पूछती हैं कि उसके साथ हमें क्या पहनना चाहिए, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन आपको मैं दूंगी कि आपको उसको बिल्कुल अवॉइड ही करना है, आपको नहीं पहनना है। ऐसे कपड़े पहनने ही क्यों जिसमें हमें अनकंफर्टेबल फील हो। लेकिन फिर भी अगर आपको पहनना है तो मैं आपको बता दूं, आप उसको कवर करने के लिए आप कोई लॉन्ग कुर्ती पहन सकते हो। कुर्ती वो भी आपको ऐसी पहननी है जिनमें साइड स्लिट्स ना हो, ठीक है। साइड स्लिट होगी तो ऑब्वियसली वो आपकी साइड से दिखेगी, ठीक है। तो आपको फुल लॉन्ग कुर्ती पहननी है, कोई अनारकली ड्रेस पहन लिया, ठीक है, अनारकली ड्रेस पहन लिया, या फिर ए लाइन कुर्ती पहन ली, थोड़ा घेर वाली कुर्ती पहन ली, थोड़ी लॉन्ग कुर्ती पहन ली, लेकिन साइड स्लिट वाली कुर्ती नहीं पहननी है। आप चाहो तो उसके साथ कोई लेगिंग्स अंदर से पहन सकते हो, बट वो शायद आई थिंक अच्छा नहीं लगेगा। आप ट्राई करके देखना अच्छा लगता है या नहीं, क्योंकि अलग से ही अंदर से वो लेगिंग्स दिखेगी आपकी, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होगी, तो आप ये अवॉइड करना। बट अगर आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। मैंने कभी ऐसा बॉटम वियर पहना नहीं जो ट्रांसपेरेंट हो। सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है ना, आप उस बॉटम वियर को है ना डाई करवा लीजिए, ठीक है, थोड़े से डार्क शेड में डाई करवा लीजिए। डार्क कलर क्या होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम रहती है, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, आप उसको डाई करवा लीजिए, ठीक है। आप चाहो तो उसमें कोई
बांधनी वाला टेक्सचर डरवा सकते हो, आप चाहो तो उसमें कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह लगवा सकते हो, ठीक है, बूटे बूटे करवा सकते हो, बट उसमें कितना ही आप करवाओगे, बांधनी वाला मेथड ट्राई कर सकते हो और वो थोड़ा सा हेल्प करेगा आपके फैब्रिक को, ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा कम दिखाएगा, अंदर का जो आपका लेग होगा उसको विजिबल कम करेगा। तो आप चाहो तो इस तरीके से अपने ट्रांसपेरेंट जो आपके बॉटम वेयर हैं उसमें यूज़ कर सकते हो, बट मैं तो कहूँगी आप उसको अवॉइड ही करो, क्योंकि ऐसे फैब्रिक पहनने का ही क्या मतलब है जो अनकंफर्टेबल फील कराए। तो आपकी मर्जी है, मैंने सॉल्यूशन 2-3 दिए हैं। नेक्स्ट क्लोथिंग मिस्टेक के बारे में मैं आपसे बात करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा है वो उनकी पीछे से या फिर आगे से या फिर यहाँ पर शोल्डर में बहुत ज़्यादा वो ब्रा की स्ट्राइप्स दिखती हैं हर जगह कहीं पे भी, पता नहीं कैसे वो कंफर्टेबल फील करती हैं, बट सामने वाला जो उनको देख रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है, पता नहीं उनको कैसे अच्छा लगता है वो चीज़। लेकिन मैं आपको बताऊंगी, अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो प्लीज़ आप क्या कर सकते हो, आगे से आप कोई भी ड्रेस या ब्लाउज बनवाते हो, आप उसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो है छोटी सी एक क्लोजिंग बनवाते हैं, आपने देखा होगा छोटी सी स्ट्राइप रहती है और प्रेस बटन लगा देते हैं टेलर्स, तो इस तरीके से आप एक ये छोटी सी स्ट्राइप्स लगवा लीजिए यहाँ पर शोल्डर में, और उसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। आप अपनी ब्रा की स्ट्राइप्स को बीच में रखिए और प्रेस बटन अच्छे से प्रेस कर लीजिए, तो पूरा टाइम जब तक आप उसको पहन के रखोगे आपकी ब्रा टस से मस बिल्कुल भी इधर उधर उसकी स्ट्राइप्स नहीं होंगी। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं, उनकी जो पीछे की जो बैंड होती है वो ब्लाउज़ के ऊपर चढ़ जाती है, तो ये भी बहुत गंदा लगता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको सेफ्टी पिन लेना है, आपके ब्लाउज़ का जो नीचे वाला एंड होगा, जो फोल्डिंग वाला एरिया होता है, वहाँ पर आपको सेफ्टी पिन लगा देनी है, तो बिल्कुल भी आपकी ब्रा की बैंड ऊपर नहीं चढ़ेगी। सबसे पहले तो आपको एकदम लूज़ ब्रा पहननी ही नहीं है, थोड़ा सा फिटेड ब्रा पहननी है ताकि वो ऊपर ना चढ़े, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाता है तो आप नीचे उसको सेफ्टी पिन से सिक्योर करिए, ठीक है, ऊपर चढ़ जाती है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आपके ब्लाउज में अगर वो स्ट्राइप नहीं लगी हुई है, किसी भी ब्लाउज में आपके नहीं लगी है, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड में आपको ब्रा में सेफ्टी पिन लगा लेनी है, ठीक है, सबसे छोटी वाली जो सेफ्टी पिन आती है ना वो दोनों स्ट्राइप्स में आपको ब्लाउज के साथ लगा लेनी है, तो ये कभी भी टस से मस नहीं होगी, एक जगह पर आपकी स्ट्राइप्स अच्छे से टिकी रहेंगी, ठीक है। बहुत गंदा लगता है, इस चीज़ को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी आपकी ब्रा की स्ट्राइप्स पीछे से आगे से उसकी बैंड ऊपर चढ़ी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो ये मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करनी है, ओके। सो गर्ल्स, ये रहे कुछ फैशन मिस्टेक्स, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि आपको क्या नहीं करना है, या फिर जाने अनजाने में आपसे जो गलतियां हो जाती हैं आगे से आप नहीं करोगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। पता हमें सब कुछ होता है, बट कभी कभी हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इन वीडियोस को शेयर किया करो ताकि उनको भी थोड़ी नॉलेज मिले, ओके। तो शेयर करने का पैसा नहीं लगता है, लाइक करने का भी पैसा नहीं लगता है, ना सब्सक्राइब करने का, तीनों चीज़ें फ्री हैं, आप कर सकते हो, ओके। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।